ये 3-4 माह जो बाकी है ना, इन्होंने करना है और मजीद ज्यादा करना है, हमें तकलीफें देनी है। पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, आपको अभी कर्जों से निकलना है। मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप पहले IMF के पास जाएं, वहाँ से लोन लें, फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी प्लान। जिस तरह की आवाम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान नाफिज कर दिए जाएंगे। इन्होंने बारी बारी अपना ये हिस्सा लिया हुआ बांटा हुआ है। हाँ जी, पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी, इनको बोले कि हमारी जान छोड़ दें। पेट्रोल 250 जोड़ के 2500 रुपये लीटर हो जाए, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DS डिजिटल TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। नाज़रीन, जैसा कि IMF ने पाकिस्तान पे मजीद शर्तों का बम्बार नाजिल कर दिया है, तो आए चलते हैं लोगों से पूछते हैं कि उन पर इसके असरात क्या होंगे। आए सर, जिस तरह के अब IMF ने आपको कर्ज़े दिए और नई शराइत रखी है, नए टैक्सेस लगेंगे, क्या आपकी नज़र में क्या सिर्फ इसमें गरीब आवाम पिसेगी या अमीर तबकों का भी रोल होगा? क्या कहना चाहेंगे आप अपने हुक्मरानों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए? भाई, इसमें मैं आपको इलाही कानून की बात करूँगा, अल्लाह का जो कानून है कि जिस तरह के हमारे अमाल होंगे या जिस तरह की आवाम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान नाफिज कर दिए जाएंगे। और बुनियादी तौर पर आप देख लें, अब हर बंदा जो है वो किस एक शैतानी वसवसे का हम लोग हर जो बंदा दूसरा जो है वो शिकार है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे अपने ही अमाल का नतीजा है जो इस तरह के हुक्मरान और इस तरह के हालात जो है वो हम पर जो है मुसल्लत कर दिए गए। सर, और आप क्या कहना चाहेंगे, अगर IMF आपको कर्ज़ा देता है, आप कड़ी शरायत वाजिब होंगी, ये तो कन्फर्म बात है ना, तो क्या इसमें सिर्फ गरीब आवाम का कसूर है? जिस तरह आप कह रहे हैं जिस तरह की आवाम उस तरह के हुक्मरान है, तो क्या फिर सबसे पहले आवाम को सोचना चाहिए कि हमें खुद चेंज करने की ज़रूरत है, तो फिर स्टेट को चेंज कर सकेंगे? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ये जब से हमने होश संभाला है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, एक नाजुक दुराए से गुजर रहा है। तो अब उस नाजुक दुराए से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं? वो इसी सूरत आ सकते हैं जब हम हर फर्द जो है वो ज़िम्मेदार है, हर फर्द खुद को चेंज करने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये चेन आगे बढ़ेगी, तो ये मामला आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरह आज शेख रशीद साहब को 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दे दिया गया है, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, तो आपके नज़दीक ये जो गवर्नमेंट आई है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ लेने के लिए आई है? आपके नज़दीक क्या आई है? शेख रशीद साहब वास्ते एक कोई जुमला है, जब सरों बीजों के तो कणक नहीं वड्डी जानी, शेख साहब ऐसा ना तू आप बीती है। बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल चल रही है, IMF ने जो आप पे टैक्सेस लगाए हैं, आपको कर्जा दे के, आपके नज़दीक क्या गरीब आवाम तो फिर पिस जाएगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तानी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये हमारे हुक्मरान है ना, ये अमेरिका के ग़ुलाम है। IMF जो, ये हमारी पहली बात है कि हमारी जान नहीं छोड़ रहा, जब भी खबर चलती है IMF की चलती है, वो उनकी ये शरायत होती है कि बिजली, गैस और पेट्रोल और बाकी चीज़ें जो मसनूआत हैं इस्तेमाल की अशिया हैं, इसको महंगा किया जाए, इसको आप महंगा करें, ठीक है। और ये जो हमारे लीडर हुक्मरान हैं, ये उनके पीछे लग जाते हैं, इन्होंने उनको अपना मतलब होता है पेट भरने के लिए, खजाना भरने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए, ठीक है। ये सारा उनसे कर्जा लेते हैं, आगे टैक्स लगाते हैं और महंगाई को तेज कर देते हैं हमारे लिए। आपके नज़दीक सिर्फ हमारे हुक्मरान ही हैं ये सब कुछ करने वाले, चोर हैं ऊपर मुसल्लत किए हुए? बिल्कुल, है ही चोर, है ही डाकू, है ही बिगड़ते हैं, बदमाश हैं, इनसे बड़ा चोर डाकू कोई है ही नहीं दुनिया में, ये सारे चोर डाकू पाकिस्तान में इकट्ठे किए हुए। आप अपनी गवर्नमेंट को, जो इस टाइम गवर्नमेंट है, उनसे कोई पैगाम देना चाहेंगे? इन्होंने बारी बारी अपना ये हिस्सा लिया हुआ बांटा हुआ है। हाँ जी, पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी, इनको बोलें कि हमारी जान छोड़ दें, आपको खुदा का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पाकिस्तानी आवाम, गरीब आदमी और अमीर आदमी, गरीब आदमी आपसे बहुत तंग है, आप हमारी जान छोड़ दें, दोबारा आप कुर्सी की बात ना करें, आपको कुर्सी की पड़ी है ना, आपको पाकिस्तान की वफा है ना, आवाम की, कोई गरीब आवाम की फिक्र है, किसी की फिक्र नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप डूब कर मर जाएँ। शराब दुकान में जो सामान बाहर से आया, दुबई से आया, अमेरिका, यूरोप से आया, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उन्होंने तब रख ली, और जो यानी घटिया चीज़ें, कबाड़ चीज़ें, कबाड़िया, वो उनको पेश कर दी, दे दी, तो पूरा सामान भी उनको नहीं पहुंचा, और वो इंतहाई
शराब की दुकान वाले बहुत परेशान हैं। सर जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान मुआशी बुरान का शिकार है, अवाम बेचारी पिस रही है और IMF की शरायत आ गई, आपको कर्जा दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि सिर्फ गरीब अवाम इसमें पिसेगी या ऊपर वाले बैठे अपने अमीर तबकात हैं वो भी इसका शिकार होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले हम जब भी किसी से कर्जा लेंगे या जो भी चीज़ करेंगे, जब अपने अपने रिसोर्सेज पे हम नहीं ना रहेंगे, किसी दूसरे पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने अपनी चीज़ें हम पे इम्प्लीमेंट करेगा और वो कभी भी हमें स्टेज पे नहीं आने देगा कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएँ। ठीक है, आपने एक बार जिससे कर्जा लिया वो बार बार कहेगा यार मैं इसको इस स्टेज तक ले रहा हूँ कि ये दोबारा मेरे पास ही आए। हम IMF के पास जाएँ, हम जिस मर्ज़ी वर्ल्ड बैंक के पास जाएँ, जिस मर्ज़ी तंजीम के पास जाएँ, हम उससे कर्जा लेंगे, वो हमें शराइत ही ऐसी देगा कि नेक्स्ट 5 साल बाद 10 साल बाद हम उन्हीं के पास दोबारा से दोबारा जाएँगे। और दूसरी बात जो ये गरीब अवाम पिस रही है, आप कह रहे हैं कि हर चीज़ गरीब, अभी देख रहे हैं अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो लोग जितने की चीज़ ले रहे थे उतने की ले रहे हैं, इवन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेन चीज़ जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है वो ये है कि जो भी पॉलिसी बनती है वो ग्राउंड रियलिटी पे आके नहीं बनती। हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो प्रैक्टिकली तौर पे ऊपर नहीं आए हुए, वो एक मरूसी सियासत है। ठीक है, जिसका दिल है उसको पता ही नहीं है कि यार गरीब बंदे ने लाइन में लग के आटा किस तरह लेना है, उसको नहीं पता इस चीज़ का। वो ऊपर बैठ के पॉलिसी बना रहा है, वो बंदा आटे की पॉलिसी बना रहा है जिसने आज तक आटा खरीदा ही नहीं है, दाल की पॉलिसी वो बंदा बना रहा है जिसने कभी दाल खाई नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल वो बंदा, उसका वजीर जो भी बन रहा है वो बंदा बने जिसको इन चीज़ों का पता है, यानी कि आप कहते हैं टेक्नोक्रेट्स हों, यानी कि उन्हें इलम हो सारी चीज़, जिसने उस चीज़ को स्टडी किया हुआ है। एम ए मुंह उठा के जी मेरा बेटा है, मैं नवाशी हूँ, मेरा बेटा फलाना है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने इतना शऊर दे दिया है कि यहाँ इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ये जितने के जितने हैं ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, ये हमें सिर्फ ऑन द कैमरा में हमें कहेंगे कि ये आप चोर हैं, वो कहेगा वो चोर है, जैसे ही कैमरा बंद होगा दोनों सलाम दुआ ले रहे हैं। ये सब के सब एक जैसे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ के गरीब के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सेम टू सेम यही चलना है। आप जितना मर्जी रोला डाल लें, आप जो मर्जी कर लें, जब तक हम एक कौम होकर नहीं सोचेंगे हम ऐसे ही पिसते रह जाएंगे। तो फिर खान साहब कहते हैं कि PTA एक बड़ी लेवल की पार्टी और पूरे पाकिस्तान में उसने जिस तरह अपना नैरेटिव बिल्ड किया है और आवाम को शौर दिया, आपको नहीं लगता कि खान साहब की पार्टी बेस्ट है या उन बाकी पार्टियों की निस्बत? ना उन पर कोई करप्शन का केस है ना तोशाखाना का, तो आप किसी ना किसी को तो वोट देंगे ना, ये तो आपका राइट है और आपको कास्ट भी करना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें जी, एज अ यंगस्टर जब मैं PTI बड़े अपने अर्ज पे जा रही थी ना, तो मैं भी इन्हीं का सपोर्टर था कि यार PTI वेल डन। लेकिन उनको हमने 3 साल दिए हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आया बेहतर। ठीक है, ये जी गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुल गया, तो इससे क्या हो गया? ये जो चाचे इधर बैठ के मांग रहे ख़त्म हो गया? गवर्नर हाउस खोलने से इस चाचे को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो कुछ होती हैं चीज़ें दिखावे की चीज़ें होती हैं, जो बंदा वक्ती तौर पे करके बंदा बड़ा वो हो जाता है। फैसला डिसीजन वो होता है जिसका जो है ना आपको रिजल्ट 10 साल बाद भी आया, आपको पता चलेगा यार। खान साहब ने तो फिर दो जब कोविड चला 2019 में 20 अरब के करीब उन्होंने गरीबों को दिया है, और कोविड को जिस तरह खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर स्टेबल किया है, जिस तरह कंट्रोल किया है, ये तो आपको वर्ल्ड बैंक भी कहता है, WHO भी कहती है कि भाई खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की मौशियत को कंट्रोल किया कोविड के अंदर, किसी गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती थी, फिर अपनी इकॉनमी को भी स्ट्रॉन्ग किया, अपनी GDP को भी स्ट्रॉन्ग किया है। फिर मेरी बात नहीं समझ रहे, जब खान साहब इस मुल्क में नहीं आए थे, PM नहीं थे, आप इसी तरह माइक लेके फिर रहे थे, यही मसले डिस्कस कर रहे थे, खान साहब होके चले गए, आप उसी स्टेज पे खड़े हैं कि नहीं खड़े? नहीं, बड़ा शौर दिया यार, नैरेटिव उन्होंने जो बिल्ड किया है बहुत ज्यादा, यंगस्टर यूनिवर्सिटी के लोग ज्यादातर मानते हैं कि वाकई पार्टी स्ट्रॉन्ग है। हम एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इमरान खान ने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरा मसला नहीं है। मैं एक चीज़ों को ना न्यूट्रल होकर देख रहा हूँ कि मुझे जहाँ कंडीशन थी उससे वर्स्ट हो रही है आए दिन। जब तक हम एज अ कॉम स्टैंड नहीं लेंगे, हम ये नहीं समझ लेंगे कि मेरी क्या ड्यूटी है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। इलामा इकबाल का एक शेर है कि तेरी दाने पर नजर है और खिरमन को देखता हूँ मैं किसी को बुरा कहूँ कैसे, खुद जमाने से खुद बुरा हूँ मैं। जब मैं खुद को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भाई वो गलत है, वो गलत है, उसने ये किया, उसने ये किया, भाई मैंने क्या किया है, मैं अपने आप को तो देखूँ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो आयत का मफहूम है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, इस चीज़ को नहीं देखना। ऐसा कौम हम अपनी गलती नहीं मान रहे, हम क्या कर यार अभी पिछले दिनों लाइट गई है, हम कौम है ना, हम मुसलमान है ना, हम ही एक दूसरे भाइयों को पानी बेच रहे थे, 100-100 का गैलन बिक रहा था, ये तो हमारी औकात है, ये तो हम ऐसा कौम स्टैंड ले रहे हैं, तो हम किस तरह हुक्मरान को बुरा कह रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं अपने लिए? यानी कि आपके बकौल पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा और फिर स्टेट चेंज होगी। देखिए जो मुल्क जमहूरियत का क्या मतलब है, फर्द, एक फर्द
जमहूरियत में मानी रखता है। अगर मैं आज ये सोचना शुरू कर दूँ ना कि मेरे एक चेंज होने से कुछ नहीं होना, ये गलत बात है। मैं एक चेंज होऊंगा, मेरा ये दोस्त चेंज होगा, ये दोस्त चेंज होगा, इसका घर चेंज होगा, एक घर चेंज होगा, पूरा मोहल्ला चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। जितनी भी बड़ी कौमें हैं, ठीक है, उन्होंने एक फर्द ने स्टैंड लिया है, ठीक है, वो ऐसे नहीं देगा पूरा पूरा मुल्क इकट्ठा स्टैंड लेना शुरू कर देगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप कहेंगे रेजिस्टेंस रखनी चाहिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें जो है ना, हम लोग देख रहे हैं वक्ती फ़ायदा और फर्दी फ़ायदा, अपना फ़ायदा सोचना है और वक्ती तौर पे जो चीज़ सुकून दे रही है वो ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, चीज़ें हमें फ्यूचर को देखना होता है, ठीक है, आगे देख के चलना होता है कि यार ये आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ, आज मैं अपना रिश्ता उसके साथ कर रहा हूँ, कल को फ्यूचर में उसका क्या आना है। फ्यूचर देखो ना, प्रेजेंट तो हर बंदा देख रहा है, वक्ती फ़ायदा हर बंदा देख रहा है, तो ये चीज़ें वेस्ट होती जा रही हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक हम अमेरिका, वक्ती तौर पे खान साहब भी कह देंगे कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं कर रहे, अगर खान साहब अमेरिका की गुलामी कर ना कर रहे होते तो आज खान साहब आपको यहाँ ना मिलते। ये टू भाई हिस्ट्री बड़ी बड़ी है, कोई बड़ा आप जो है ना किसी मुल्क का लीडर उठा के देख लें जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, तो वो तो कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट, वो क्यों उन्होंने कहा फिर मैं देखे ना नैरेटिव बिल्ड किया। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आज ऐसी ऐसी फिगर्स पड़ी हैं हिस्ट्री में जो आवाम की नज़र में बहुत बड़े गद्दार हैं, लेकिन बेसिकली वो गद्दार नहीं थे, और ऐसी ऐसी फिगर्स भी पड़ी हैं जो गद्दार थे और आवाम की नज़र में गद्दार नहीं है, ठीक है, दिखावे की चीज़ें। फातिमा जिना को गद्दार डिक्लेयर किया गया था, वो गद्दार थी, आपका दिल भुट्टो को किया गया, उसे फांसी दी गई, उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि नहीं जी हमने गलत फैसला कर दिया। आपका दिल मानता है कि फातिमा जिना गद्दार थी ना, फिर वो गद्दार डिक्लेयर हुई है ना। तो अब अगर मैं अगर उसको वर्ल्ड बैंक कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि इसने जो हमें एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये नहीं है, तो ये दिखावे की चीज़ें हैं, ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये एवे नहीं हो जाए। इस मुआशरत को कंट्रोल करने के लिए आपका कहना है कि हमें पहले खुद को सोचना, हमें एज अ कौम स्टैंड लेना होगा। तुर्की ने जैसे स्टैंड लिया है, चाइना, वो अपनी जो अपनी रिसोर्सेज हैं, अपना मुल्की मफाद है, उसको पहले नंबर पे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में, और हमने सबसे पीछे मुल्की मफाद को रखा हुआ है, बाकी चीज़ें सबसे आगे हैं। मैं ये नहीं देखूंगा यहाँ रोड टूट रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, भाई मुझे क्या है, मेरा काम सेट है, मेरी लाख रुपये की पे आ रही है, मिस करवाओ बाकी चीज़ों को, ये चीज़ें नहीं होती। हमें सबसे पहले मुल्की मफाद देखना है, ये मुल्क खुद ही सेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है, आवाम का रद्दअमल ये है कि तब हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले हमें खुद चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हमारे ऊपर वाले बैठे हुक्मरान चेंज होंगे जब हम खुद चेंज करने की खुद को कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।